तो देखा आपने ये डांस का स्टेप जो अभी आपके सामने मैंने किया था, तो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि देखने का आपको टिपिकल लगा हो किस तरीके से खींचते हुए जा रहे हैं, स्टेप आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। तो इसको जो है सबसे इजी वे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, तो मैं हूँ जितेंद्र संभल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जितेंद्र संभल फिल्म्स। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये स्टेप जो है, ये स्टेप आपको इजी वे में कैसे समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कहीं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है, कहीं भी नहीं, आप घर बैठे भी ये सीख सकते हैं। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके घर में सामान पड़ा होगा टूटा फूटा, जनरली ये कह सकते हैं कबाड़ से जुगाड़, उससे भी आप डांस सीख सकते हैं, आप छोटी मोटी चीजों से। ये जो डांस है इसका सिंपल वे में आप सोच सकते हैं कि जैसे रस्सी खींचने वाला स्टेप है, कि आपके ब्रेक डांस में भी काम आएगा, आपके रोबोटिक में भी काम आएगा, किसी भी डांस फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं करना है आपने, सीखने के लिए सबसे पहले हम करते हैं रस्सी का जुगाड़ करते हैं। अब कहां से करेंगे, तो देख सकते हैं, जैसे मैंने करा, मैं आपको ला रहा हूं, दिखाता हूं। देखिए, ये पकड़ लेते हैं, कुछ टुकड़े हैं, ये रस्सी के टुकड़े हैं, जो इसको गांठ मार के मैंने जोड़ दिया, यानी कि कबाड़ से जुगाड़। अब इसको क्या करते हैं हम, इधर से इधर बांधने की कोशिश करता हूं। ओके, चलिए। तो दोस्तों, हमने ये एक जो है रस्सी के टुकड़े ला करके जुगाड़ करके हमने ये बांध दिया। अब आप स्टेप करिए, वैसे कोशिश करिएगा कमर से नीचे आए, ठीक है, अभी मैंने थोड़ा ऊपर बांधा है, अब कोशिश करिएगा कमर से नीचे आए। अपने स्टेप क्या करना है, देखिए, जनरली जो मैं स्टेप कर रहा था, मैं ये कर रहा था। आपने कुछ नहीं करना, आपने जिस समय सीखना है तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। आपने ये रस्सी पकड़ी, ओके, देन ये पकड़ा, किसी भी रूप से अगर आप खिसकाएंगे तो आपकी बॉडी कैसे मूव करेगी, पहले आप ये चेक कर लीजिए, हल्के से ताकत नहीं लगाने की, कमजोर हो टूट जाएगी, ये आप ये करेंगे, ठीक है। ये देखिए, आप सिंपल वे में आप जाएंगे, ओके, आप तीन बार ये करिए, ऐसे करिए, लाइए हल्के से आप खिसके, फिर यहां से हल्के खिसकते हुए जाइए, ठीक है, हल्के से मूव करेंगे लगातार, तो ये आपको हल्का पता लग जाएगा कि बॉडी को किस तरीके से मूव करना है, ओके। अब हम इसको जो हमने किया, इसी को अगर हम एयर में करेंगे, यानी कि बिना इसके करेंगे, तो हमने सिंपल वे में ये मुट्ठी, हाथ पंजे मुट्ठी बांधी और ये अंगूठा रखा, इसी की सीध में दूसरा अंगूठा आप रख लेंगे, इस सीधे आप इसको कमर की सीध से थोड़ा ऊपर रखेंगे, सेकेंड ये, थर्ड ये, और ये खिसका से आप ये ले जाएंगे हल्के से, ठीक है, ये और ऐसी ये, तो ये आपका स्टेप बनता जाएगा। इसके लिए आप रस्सी पकड़ेंगे, वही मैंने बताया, और सेम उसी वे में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आप खींचते हुए आएंगे हल्के से, 1 2 3 4 तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस में लाइए, लगातार करते रहिए, तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो हैंड मूवमेंट आपके आगे, इसके साथ चलते हैं आपके पैर के मूवमेंट। तो पैर के मूवमेंट में इसके बाद आपको बताता हूँ, उसमें कुछ नहीं होता है, आप सिंपल वे में आपने पैर हल्के से घुटना मोड़ेंगे, ये ले जाएंगे हल्के से, खिसका भी ले जाइए, आप सिंपल वे में रखिए, 1 2 1 2 1 2 सिंपल वे में हो जाएगा, कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए पैर का मूवमेंट मैं आपको बताता हूँ, ये आपने आपको मैंने हाथ का मूवमेंट बताया था जो सिंपल था, यानी कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तथा ये देखिए, ये पकड़ते हुए इसी को आप बिना पकड़े सिंपल आप चलते हुए, यानी कि आपने क्या करना है, चलना है, ये 1 2 ठीक है। ये सारे मूवमेंट एक के बाद एक मैं एक आपको बताता हूं, सिंपल पहले आप प्रैक्टिस करिए जो है आपका हाथ का मूवमेंट, ये आ जाएगा। इसके बाद पैर का जो मूवमेंट, अभी इसके साथ वाला जो पैर का मूवमेंट है वो बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो दोस्तों मैं बता रहा था, इसके साथ मेरे जो पैर के मूवमेंट आपके चलेंगे वो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपने, आप इधर से राइट को चले चाहे लेफ्ट को चले, आपने सिंपल क्या करना है, ये पैर इधर को अगर जाएंगे तो आप लेफ्ट वाले लेग को आप
घुटने से मोड़ेंगे और जो ये है आपका पंजे में आएंगे, ठीक है, तो यानी कि इसके पंजे में आए हैं और इस पैर का फिर खिसकाना है। ओके, ये खिसका है, ये सीधा करा ले गए, ये ऐसे इसको लाना है, खिसकाना है, फिर बगल में आना है, फिर खिसकाना है, फिर बगल में आना है। ओके, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, यानी कि आप ये ले आएंगे, ये लाए मोड़ते, ये लाए यानी कि ये मोड़ते ले गए, ये आए मोड़ते लाए, सिंपल है, ये मोड़ा ये ले गए, मोड़ा और इसको सीधा करके ये रखा। ओके, ये है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 मोड़ा एंड 4 सीधा करके, 1 2 3 एंड 4 ऐसे इसको चेंज करेंगे तो हाथों को ये करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, 1 2 सीधा रखेंगे, 3 मोड़ा एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और दूसरी बात आपने एक चीज और देखनी है, आपका जो मूवमेंट चल रहा होगा इसमें आप सबसे पहले क्या देखना है, सामने वाले आपके जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, वो क्या देखती है, वो आपके डांस में सबसे पहले देखती है आप कितना उसके अंदर इन्वॉल्व है, अपने डांस के अंदर इन्वॉल्वमेंट आपका कितना है, परफॉर्मेंस आपकी देखती है, तो वो कहाँ से देखेगी। अगर हम डांस ये कर रहे हैं और मन हमारा कहीं और है और हम कर रहे हैं तो वो भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो आपको क्या करना है, आपका हाथ का मूवमेंट है, आप अपने इस हाथ पर आपका ध्यान रहे, आपको मतलब नहीं है सामने क्या है। ओके, आपने 1 2 3 ये दिया, अब आपने क्या करा, यहाँ से 1 करा, 2 करा, 3 में ये मोड़ा, ठीक है, ये मोड़ा तो ध्यान कहाँ है आपका, ये है, ठीक है, 4 खिसकाते हुए लेके, फिर 1 ये साथ में, 2 ये लेके, देखिए मेरे चेहरे को और आईज, ओके, यहाँ से ये मोड़ते हुए लाए, 3 एंड 4 यानी 3 में खिसकाते हुए लाए, जी हल्के से, सेम वही ये पैर खिसकाना हल्के की है, हल्का सा प्रेशर अब आपके चेहरे में भी आना चाहिए, खिंचाओ, कोई चीज़ आप खींचेंगे, आप रस्सी को भी खींचते हैं, मान लिया कोई चीज़ बड़ी और ताकत तो लगेगी आपकी, तो वो चेहरे पर आना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अभी जो रस्सी वाला सिंपल वे में हम कहें रस्सी वाले मूवमेंट जो है आपकी समझ में आया होगा। अगर आपके इसके बारे में कोई और चीज़ आपको पूछना है तो आप मेरे नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की और ज़्यादा बेटर तरीके से इसको आप समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले नए ट्यूटोरियल के साथ और ज़्यादा इजी वे में जो आपको सिखा सकें। पर मेरे इस तरीके से सिखाने का एक तरीका मैंने सबसे ज़्यादा इसलिए कोशिश करी ताकि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे रिमोट एरियाज में जो लोग रहते हैं वो लोग अगर आगे जाना चाहें डांस के फील्ड में तो घर बैठे भी ये डांस को सीख सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से और आगे आ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद जय भारत और अगले नए ट्यूटोरियल के साथ। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल जितेंद्र संभल फिल्म्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट अपडेट डांस फिल्म एंड एक्टिंग से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, ओके, मिलते हैं।